All right, जी अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? आई थिंक आई एम नॉट रियली वेल, लेकिन यू नो विल मेक डू विद इट. क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरे तीनों दोस्त मौजूद हैं और आज अबरारुल हक इज गोइंग टू बी आर गेस्ट. सो इत्मीनान से सिट बैक, चिल, रिलैक्स, दिस इज़ योर शो. आराम से हम मज़े का शो करेंगे. आज तीन लोगों को मैं एक बार फिर खुश आमदेद कहता हूँ अपने स्टूडियोज़ के अंदर. हमारे ये बहुत बड़े फ़ैन हैं अबरारुल हक के और इनका नाम नदीम है. नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ. मैं कहता हूँ शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपके हाथ चूमूंगा. नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं. नहीं, आप इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे. कोई हरकत नहीं करेंगे इस किस्म की. अच्छा चले, भरन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अबरार हैं आज. अबरार भाई मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है. अच्छा, ये तोड़ मत दीजिएगा, हमारी है. हाँ. और न्यूज़ वालों की इमलाक है, प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा सॉरी जी, सॉरी. है ना अबरार भाई कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो स्काइप पे होंगे अभी थोड़ी देर में. स्काइप पे होंगे? हाँ, स्काइप पे होंगे. कब आएंगे स्काइप पे? मैं वही देख रहा हूँ. अरे तो यहाँ तो देख लीजिए, बात कर रहा हूँ मैं आपसे. तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ. माशाल्लाह, कितने कितने बच्चे हैं? कितने? मेरे चार बच्चे हैं और एक बेगम. एक बेगम. बेगम का नाम भी अबरार, बच्चों का नाम भी अबरार. बेगम का नाम अबरार कैसे हो सकता है? मैं प्यार में अबरार कहता हूँ ना. तो आप इतना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करता हूँ अबरार. कहाँ है अबरार भाई? चारों बच्चे हैं, उनमें डिफरेंशिएट कैसे होता है? मतलब अबरार बन अबरार टू, अबरार थ्री, अबरार फोर. अच्छा अच्छा, ऐसे चार अबरार हैं. जी जी. अच्छा ओके, वो आई गेस चार अबरार हैं. तो लेट्स सी कि क्या होता है आज. हमारी दूसरी जो मेहमान है वो एक स्कूल टीचर हैं, इंतहा से ज़्यादा नाराज़ हैं. वो ये कहती हैं कि जी ये कोरोना की वजह से उनकी पेमेंट मिलना बंद हो गई है, स्कूल खुलते नहीं हैं. ऑनलाइन को उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, व्हाट्सएप पे क्लासेस दे रही थी, लेकिन फिर बच्चों के अब्बा क्लासेस लेने लगे तो उन्होंने बंद कर दिया वो. अब बताइए जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक. क्या वजह क्या रही आपकी? वजह क्या होगी, आपको पता है कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है और स्कूल वालों के लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम होगी. बच्चे नहीं आ सकते, पढ़ नहीं सकते. अब जब बच्चे नहीं पढ़ रहे, अब मैंने व्हाट्सएप पे क्लासेस लेना शुरू करी थी बच्चों की, तो वो बच्चे कम, उनके डैडीज और पापा ज्यादा आके पढ़ने शुरू हो गए थे. तो आपने मतलब मना कर दिया? तो जाहिर सी बात है. ऑब्वियसली. अब आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे अपने दो बेटे. तो वो दो बेटे क्या करते हैं? दोनों पढ़ते हैं. दोनों पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? जी वो लाहौर गेस्ट हाउस में पढ़ते हैं. लाहौर गेस्ट हाउस में? हॉस्टल में, सॉरी. अच्छा, बहरहाल लाहौर गेस्ट हाउस या हॉस्टल में पढ़ते हैं. आई हैव नो आईडिया. हमारे साथ तीसरे मेहमान हमारे जॉर्ज. तुम पाकिस्तान से जाते क्यों नहीं हो? सर फ्लाइट चलेगी तो मैं जाऊंगा ना, मगर मेरा दिल लग गया है भाई आपसे. साहिर भाई, दिल लग गया भाई, बहुत प्यार करने वाले हैं आप. दिल नहीं चाहता आपको छोड़ के जाने को और इस मुल्क को छोड़ के जाने को. मेरा दिल चाहता है कि तुम देखो इस मुल्क में तो हमेशा से जॉर्ज रहा है. तो तुम यहाँ पे हो, प्लीज मेरा दिल चाहता तुम चले जाओ. बॉस आपको पता नहीं है साहिर साहब मैं इस मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ. अरे तुमने बहुत कुछ किया है. देखो तुमने वादे किए, तुमने बेड़े नहीं भेजे, तुमने वादे किए कि तुम हमें एड दोगे, तुमने एड तो दी लेकिन तुमने मना कर दिया स्कूल नहीं बनाओ, तुमने और बहुत सारी चीज़ें की है ना हमारे साथ. तो तुमने हमेशा से किया है. तो मेरा दिल ये चाहता है कि अब तुम चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे मांगने की जरूरत ना पड़े. सर इंशाल्लाह अब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं नहीं, तुमने अब कोरोना भेज दिया, अब तुम डेफिनेटली मांग रहे हैं. अब आपकी क्या बात है मतलब सर. तो ये तो मेरे दिल ये चाह रहा है सर, अब आप चले जाएं, बस बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को छोड़ दें. 1947 से आप हमारे साथ हैं. साथ तो आप हमारे साथ 1935 से, लेकिन लोगों को पता नहीं है ये. आप जब से हमारे साथ हैं अब तो छोड़ दें हमारी जान. साहिर भाई आप बहुत नाराज लग रहे हैं. मैं आपके नहीं, एक्चुअली आपकी वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं. आपकी वजह से हमने सारी जंगें लड़ी हैं. आपकी वजह से हमने एक दूसरे से, हम मतलब पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ हो गई. आपकी वजह से हम पे ये इल्जाम लगा कि हमने टेरर को हार्बर किया है. आपकी वजह से सर हमारी जंग नहीं थी, वो तो आपकी जंग थी, हमने थोड़ी लड़नी थी वो जंग. आपकी वजह से हमने वो जंग लड़ी है. तो प्लीज मेरा दिल ये चाहता है अब आप पाकिस्तान की जान छोड़े, कोई और मुल्क बना ले जहाँ पर आप जाके कर सकें, हमारी जान छोड़ दें प्लीज. माजरत के साथ. बहुत अच्छी बात की आपने. नहीं मैं सीरियस हूँ यार, बहुत. सर आप अपनी जगह राइट है. माजरत के साथ, आप बहुत अच्छे इंसान है, मगर ये बता दें आप जैसे इस पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जॉर्ज चला जाए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं. आप लोग 8 लोग हैं, बल्कि तालियां बजा के बताएं जॉर्ज जाए. Everyone wants you to go. Everyone, every single person wants you to go. Just go, George, go. 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 Okay, okay, boss. Inshallah, कल से नजर नहीं आऊंगा मैं आपको. आप नजर नहीं आएंगे? Inshallah, आप बेफिक्र हो जाएं. लेकिन मैं आप अपनी जगह किसी और को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप तो हर जगह फुदक के नमूदार हो जाते हैं. कभी आप किसी शक्ल में आ जाते हैं, कभी किसी शक्ल में आ जाते हैं. तो भेजिएगा नहीं आप किसी और को? सर हम किसी को नहीं भेजते, आपके लोग खुद आते हैं हमारे पास. ये तो बजा दो, उसने बराबर कर दिया. बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दी. बिल्कुल बराबर कर दी तूने. बराबर कर दी. पक्के हो गए?
साहिल भाई मैं चाहता हूँ जॉर्ज भाई मेरे घर आए, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में ही रहते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है, जितना ही तेरे घर रहते किसी के घर में रहते। वैसे एक बात है, मैंने शोज देखे हैं आपके, तो जॉर्ज चाचा बहुत मशहूर हो गए। मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी। चाचा आपको कहती है, कैसा लगता है आपको? सर मुझे बहुत बुरा लगता है सर, इसलिए कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये चाचा बोलते किसको, ये तो मुझे जानते तो आप जॉर्ज को भी नहीं है, लेकिन सर क्या फर्क पड़ता है, तब अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपको इस पे जॉर्ज कहा जाता है, कितनी बड़ी बात है। हालांकि आपका नाम जयवर्धन होना चाहिए था। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। Alright, जी, once again, welcome back, and I've got Ibrar ul Haq with me. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आप नजर नहीं आ रहे, कहाँ इब्रार भाई को दे तो दें इधर मुझे। हाँ जी बिल्कुल आ गए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? आप अच्छे बहुत लग रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट, वेरी नाइस। अच्छा ये पीछे क्या है जो आपके लगा हुआ, डिवाइडर है कोई? हाँ डिवाइडर है घर में। वेरी कूल, वेरी वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल। अच्छा ये बताए क्वारंटीन कैसा जा रहा है आपका? क्वारंटीन हम तो फाइटर हैं, अल्लाह का शुक्र है, एक दिन भी नहीं किया हमने, गाड़ी में क्वारंटीन किया, फिर ऑफिस में जाके किया अपने आप को, फिर उसके बाद सहारा के ऑफिस में किया, फिर सड़कों पे किया जाके। अच्छा वो अब अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी ऐसी लगा दी है रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से, तो पिछले 2 महीने से तो फिर ना अपनी खबर है ना किसी और की, काफ़ी बड़ा काम करने वाला था तो उसमें बिजी रहे हैं साहब। अच्छा लेकिन एक बात है, काम तो आपने हमेशा ही बड़ा किया ना, जब कुछ नहीं था तो सहारा था, यू हैव बिल्ट इट ऑन योर ओन, एंड माशाल्लाह यू एंड इसरार भाई टुगेदर आप लोगों ने तो कमाल ही किया, तो उसमें कोई आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, आप तो ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहे थे जो पहले से कर रहे हैं आप। लेकिन पता क्या है, जितना बड़ा मौका मिले उतना ज़्यादा काम करना चाहिए। ट्रू ट्रू, हुकूमत या पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये होता है कि आपको ज़रा बड़ा मौका मिल जाए। अब देखो हमने रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से 15 दिनों में कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना दिया, सहारा के प्लेटफॉर्म से मुश्किल था, फंड्स भी थे, एक टीम भी थी पूरी, और सहारा ने अपना अलग काम किया, लेकिन इसमें वेंटिलेटर्स, इसमें चाइना की मुशावरत, अब वो इसमें इतनी आसानी नहीं थी, चाइना की मुशावरत, हमारे पास एम्बेसडर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, उनसे डिफरेंट लोगों से सपोर्ट मांगी पाकिस्तान के लिए, 2 लाख N95 मास्क आ गए 32 करोड़ की मालियत के, फिर उसके बाद राशन आ रहा है करोड़ों रुपए का, फिर एक बहुत बड़ी वॉलंटियर फोर्स उसको लॉन्च करके, सो एक काम बढ़ जाता है ना फिर उतना ही ज्यादा। अच्छा एक बात बता, एक बात मैं अपने पर्सनल उसके लिए पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो दैट आई वोटेड फॉर खान साहब एंड आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू, मुझे ये बताइए कि आगे क्या, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मायूस हुए हम तरीके इंसाब से? अच्छा मुझे ये लगता है कि खान साहब मायूस हुए हैं थोड़े से कौम से, उन लोगों से बिलखसूस, गरीबों से नहीं, उन लोगों से जिनसे उनको तवक्को थी कि ये टैक्स देंगे ये, और वो टैक्स से पैसों से वो ज़ाहिर है मुल्क चलते हैं, मगर उन्होंने ना दिया। हम लोग चैरिटी दे देते हैं, खून दे देते हैं, लाइनों में लग के भी देते हैं, और वोट दे के आपने कहा हमने वोट दिए, याद रखिए मैं समझता हूँ वोट देना काफ़ी नहीं है, कौमें सिर्फ वोट देने से नहीं बनती, वोट पहला स्टेप होता है, उसके बाद उनको साथ देना पड़ता है उस नज़रिए का जो लीडर लेके आता है, तो वज़ीर आज़म का जो नज़रिया था क्या हमने अपने अपने तौर पे उसका साथ दिया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो ही बात है जो कि किसने कहा था ना, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही एक दिन, सब का सब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा अब, सो ये ना सोचे हम कि एक वोट देने से तब्दीली आ जाएगी, साथ देना पड़ेगा। नहीं लेकिन एक बात है ना, एक बात है ब्रा भाई, मिसट्रस्ट भी तो बहुत हो गया ना गवर्नमेंट पे, मिसट्रस्ट बहुत है, वो चाहे वफाक में हो, प्रोविंस में हो, कहीं भी हो, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, मान लिया जी, खान साहब पहले ये कहते थे कि जी किसी ऐसे आदमी को हम नहीं रखेंगे जिसका माजी टेंटेड होगा, अब अगर हम तहरीक इंसाफ के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माजी का हाल भी टेंटेड है, लेकिन मतलब ये तो एक अजीब सी बात है ना, आप मुझे लगता है अगर खान साहब कुछ नहीं कर सके तो फिर तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज खान मुझे एक बार आपने बड़ी अच्छी बात की है, देखो एक वो बाबे का शेर है किसी का कि उठ फकीरा सुत्या तो दुनिया वेखण जा, जे कोई लभ जाए बख्शा तो तू भी बख्शा जा, यकीन कर लें, वो कहते हैं ना पंजाबी में जेड़ा पुटो ही ला ले, मेरा मतलब आपको ऑनेस्ट तरीन बंदा ढूंढने में खुदा की कसम इतनी मुश्किलात पेश आती हैं, मुझे आज एक किसी को अगर जिम्मेदारी देनी हो
मैं वो जिम्मेदारी देता हूँ, फिर उसके ऊपर एक और बंदा। यार रुक जा रुक जा रुक जा भाई, मैं एक मिनट, मैं ताली बजा लूँ पहले इस पे, अल्लाह की कसम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस पे ताली। ऑनेस्ट तरीन बंदा ढूंढने में जितनी मुश्किल पेश आती है, यही मेरा एक डिफेंस है खान साहब के लिए, तालियां बजा दें। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं कह रहा, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जी जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक बंदा लॉन्च करके और उसके ऊपर तीन और लॉन्च करने पड़ते हैं कि ये कुछ गलत ना करे, और फिर सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, और बेशुमार मतलब हमारी एनर्जी उस तरफ जा रही है कि हम आगे करें क्या। तो बहरहाल सिस्टम्स बन जाएंगे। मैं ये बता दूं कि सिस्टम्स अल्टीमेटली ना इसकी करप्शन को रोकेंगे, और वो इतने बुरी तरह से एम्बेडेड हैं कि यकीन करें कि उसमें 5 साल मुझे नहीं लगता काफ़ी होंगे, क्योंकि एक घर आपको बनाना पड़े ना तो आपका 6 महीने लग जाते हैं। मुल्क ठीक करना पड़े आपको, आदतें चेंज करनी पड़े, सिस्टम्स बदलने पड़े, तो यकीनन वक्त दरकार है। एक चीज जरूरी है, नियत, वो हमारा अल्लाह जानता है। नियत पे तो देखे, मैं एक बात बताऊं, नियत पे तो कोई मसला नहीं है। नियत पे तो खान साहब की नियत पे तो कभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज आई लव हिम एज अ ह्यूमन। आपको पता है मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनके लिए अब भी उनको डिफेंड करता हूँ, हमेशा करूँगा, बिकॉज आई थिंक एज अ पर्सन इज अल्टीमेट। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो वादे किए गए थे, जाहिर है कौम ने तो पूछना है ना, जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हो रहे, वफा तो होने दूर की बात है, पता नहीं चल रहा कि होंगे भी कभी ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। अच्छा फिर आप लोगों को कुछ ऐसा है इब्रार भाई, देखिएगा कुछ बड़े इररिस्पॉन्सिबल बयानात आपकी तरफ से भी, आपकी जो पार्टी के जो यू नो लीडरान हैं उनकी तरफ से बड़े इररिस्पॉन्सिबल बयानात आए, तो उसकी वजह से कौम के अंदर ये मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है। बयानात तो हर तरह के भी आते हैं, मतलब उनके क्या कहा जा सकता है। और मैं बताऊं आपको कि अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा हो और हमारे जानिब से कोई उसके बारे में बयान आए कि ये बुरा हो रहा है, तो ये तो उसको मैं बड़ा अच्छा बयान कहता हूँ, ये तो एक्सपोज करना चाहिए। तो एक नया ट्रेंड है पॉलिटिक्स में कि अगर कुछ हो रहा है गलत, तो आप बताएं कि ये गलत हो रहा है और ये हमारे दौर में हो रहा है, तो अच्छी बात है ना, हमने एक्सपोज कर दिया, हमने उसको ओन करने से इनकार कर दिया, तो ये भी एक नया ट्रेंड है। बहरहाल कई आप आई डोंट नो किसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, कई अजीब बयानात भी आते हैं, हर बंदा इतना पॉलिटिकली मैच्योर भी नहीं होता, और बयानात पे नहीं देखना चाहिए। आपने देखना है कि हेड ऑफ द स्टेट की क्या नियत है, मेरा सवाल, क्या उसकी कोशिश है, और हम उसका साथ दे रहे हैं बतौर कौम या नहीं दे रहे। अच्छा मेरा सवाल चलिए मान लिया, मेरा सवाल यह है कि जब आप लोग आ रहे थे तो जो डिलीवरेंस का कहा गया था, जो वादे किए गए थे कि जी हम ऐसा कर देंगे, 100 दिनों के अंदर ऐसा हो जाएगा, साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, वो तमाम चीज़ें नहीं हो पाई हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, बार बार रहिएगा वहीं पे, उसके बाद इसका मैं जवाब ज़रूर चाहूँगा। देखिए बात ये है, अवाम ने आई थिंक जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, और जितना दो लोगों ने बड़ा भारी मैंडेट लिया, एक नवाज शरीफ साहब ने लिया था और एक इमरान खान साहब ने लिया, दोनों ने बड़ा भारी मैंडेट, इस सेंस में खान साहब को उतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है इन ऑल ऑनेस्टी, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि खान साहब को सपोर्ट बहुत मिली और लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला। तो आई थिंक वी वर थिंकिंग दैट खान साहब के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, अब वो क्या हैं बात करेंगे ब्रेक के बाद।